नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं रीट भर्ती परीक्षा 2021 मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा फैसला, अब होगी CBI जांच, पदों की संख्या होगी 50,000। तो दोस्तों देख लेते हैं क्या है पूरी खबर। दोस्तों आप देख रहे हैं उपेन्द्र यादव प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ वार्ता हेतु आमंत्रित करने बाबत। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ द्वारा उठाई गई मांगों के संदर्भ में आपके प्रतिनिधि मंडल को राज्य सरकार से वार्ता हेतु आमंत्रित किया जाता है। कृपया निम्न पदाधिकारियों के साथ वार्ता हेतु दिनांक 4/12/2021 को सायंकाल 4 बजे शासन सचिवालय में उपस्थित होंगे। और दोस्तों आप देख सकते हैं यह रिपोर्ट। अगर धोखा होता है और हमारी मांगों को नहीं माना जाता है तो फिर एक बार फिर उत्तर प्रदेश की तरफ कूच करेंगे, लेकिन उससे पहले अब सरकार ने वार्ता का न्योता लिखित में दिया है, विश्वास दिलाया, इसलिए हम लोग उत्तर प्रदेश से तमाम राजस्थान के युवा बेरोजगार कूच कर रहे हैं और राजस्थान में जाकर एक बार फिर सरकार पे विश्वास जता रहे हैं कि हमें न्याय प्रदान करेंगे। पूर्ण विश्वास है राज्य सरकार इस बार अपने वादे पर खरे उतरेगी और बेरोजगारों को न्याय प्रदान करेगी। और इसमें अहम वार्ता में भूमिका निभा रहे हैं पूर्व बीज निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ जी, जो लगातार हमारे संपर्क में थे, हमसे बात की और कहा कि सरकार आपको न्याय प्रदान करेगी। पूर्ण विश्वास है धर्मेंद्र राठौड़ जी और मुख्यमंत्री जी हमें न्याय प्रदान करेंगे, और यदि धोखा होता है तो हम फिर से संघर्ष करेंगे, फिर से उत्तर प्रदेश आएंगे और फिर से लड़ाई लड़ेंगे। उपेन्द्र यादव, राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ। दोस्तों 21 सूत्री मांगों में उपेन्द्र यादव ने रीट भर्ती के पदों की संख्या बढ़ाकर 50,000 करने और CBI से जांच करवाने की मांग की थी। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वार्ता के लिए न्योता भेजा है, आज शाम 4 बजे बैठक होगी और बैठक में उचित फैसला लिया जाएगा। तो दोस्तों मेरे द्वारा बताई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब।